सो हेलो फ्रेंड, तो आज के वीडियो में भी हम लोग एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। तो आज का जो टॉपिक है वो है पाइप के बारे में। तो जो कोई भी स्टूडेंट हो चाहे कोई इंडस्ट्री में वर्क करते हो, ये पाइप को जरूर देखे होंगे, क्योंकि पाइप सिर्फ इंडस्ट्री में ही नहीं, हमारे घरों में, हमारे डेली लाइफ में भी यूज होता है। तो इस पाइप को भी जानना काफ़ी ज़रूरी है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो इसलिए इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि पाइप होता क्या है, कितने तरह के पाइप्स होते हैं, और जो इंडस्ट्री में या हमारे डेली लाइफ में जो तरह तरह के जो पाइप होते हैं वो कहाँ पर यूज किया जाता है, किस किया जाता है, इन सभी बातों का डिस्कशन इस वीडियो में हम लोग डिटेल में करने वाले हैं। तो वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाला है, तो वीडियो के साथ बने रहे। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन करें ताकि इस टाइप का इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए बिना समय बाय वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो पाइप एंड इट्स टाइप्स, तो पाइप आपने डेली लाइफ में जरूर देखा होगा, चाहे आप अपने घरों में देखे हों, चाहे आप किसी मार्केट में बिकते हुए देखे हों, चाहे आप इंडस्ट्री में काम करते हो, तो वहाँ पर तो आप कई तरह के पाइपलाइन देखे होंगे। तो ये पाइप एक्चुअली में होता क्या है, कैसे हम लोग इसको डिफाइन करेंगे, तो आइए सबसे पहले उसी को देखते हैं। तो पाइप इज ए होलो ट्यूब विथ राउंड क्रॉस सेक्शन फॉर द कन्वेंस ऑफ प्रोडक्ट लाइक फ्लूड, गैस, पैलेट्स, पाउडर एक्सेट्रा। तो यहाँ देखिए, मान लेते हैं कि यही वाला जो है वो पाइप है, और ये कैसा होगा, तो ये एक होलो ट्यूब होगा, यानी कि ये अंदर से खाली होगा, और इसका जो क्रॉस सेक्शन होगा वो कैसा होगा, तो राउंड होगा, यानी कि गोल होगा। और इसको किस लिए यूज करेंगे, तो फॉर द कन्वेंस ऑफ प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए, ट्रांसपोर्ट करने के लिए, कन्वे करने के लिए यूज किया जाता है। वो चाहे आपका फ्लूड हो, चाहे गैस हो, चाहे पैलेट हो, चाहे पाउडर हो, चाहे स्टीम हो, चाहे फ्लू गैस हो, ये इन सभी के लिए जो आपका ये स्ट्रक्चर जो यूज किया जाता है उसी को ही पाइप कहा जाता है। अब देखिए, आपने घरों में भी इसे जरूर देखा होगा, तो घरों में इसका यूज पानी को एक स्थान से दूसरे स्थान तक आपका कन्वेंस के लिए किया जाता है। उसी तरह इंडस्ट्री में आपका कई सारे जो पदार्थ होते हैं वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाना है। बिना पाइपलाइन का कोई भी इंडस्ट्री जो है वो स्थापित नहीं हो सकता, क्योंकि हर एक इंडस्ट्री में कोई ना कोई पदार्थ जो है वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक जो है ले जाना पड़ेगा ही पड़ेगा, चाहे वो कुछ भी हो, चाहे वो गैस हो, चाहे वो स्टीम हो, चाहे वो वाटर हो, चाहे वो एयर हो, चाहे वो फ्लू गैस हो। तो इस तरह से आपका जो ये पाइप है वो कई प्रकार के होते हैं, वेरियस टाइप्स ऑफ पाइप जो होता है वो यूज किया जाता है, अकॉर्डिंग टू मैन्युफैक्चरिंग, अकॉर्डिंग टू डिजाइनिंग, अकॉर्डिंग टू इट्स साइज, अकॉर्डिंग टू इट्स डाया, अकॉर्डिंग टू इट्स मटेरियल, ये किस मटेरियल के होते हैं, इस बेसिस पर भी इसको कई भागों में बांटा गया है। तो यहाँ पर हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट पाइप के बारे में यहाँ पर डिस्कशन करेंगे जो मैक्सिमम टाइप यूज किया जाता है। तो यहाँ पर देखिए, वेरियस टाइप्स ऑफ पाइप्स, तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि अकॉर्डिंग टू मैन्युफैक्चरिंग, तो जो प्लांटों में या फैक्ट्रियों में जो इसका निर्माण किया जाता है, तो उसके बेसिस पर इसको दो भागों में बांटा गया है। पहला जो होता है वो होता है सीम पाइप, या जिसको वेल्ड पाइप भी कहा जाता है, और दूसरा जो होता है वो होता है सीमलेस पाइप। सीम पाइप या वेल्ड पाइप किसको बोलेंगे, तो मान लीजिए कि कोई आपका मेटल का सीट है और इसको इस तरह से राउंड करके, इसको इस तरह से बीच में अगर वेल्डिंग के द्वारा इसको हम लोग इस तरह से राउंड आपका पाइप बना देंगे, ओके, यहाँ पर वेल्डिंग किया हुआ रहेगा बीच में, तो उससे हम लोग वेल्ड पाइप या सीम पाइप कहेंगे। लेकिन अगर सीमलेस पाइप अगर देखेंगे तो वो इस तरह का नहीं होता, उसमें कोई भी वेल्डिंग नहीं होता, वो पूरा आपका राउंड शेप में आपका प्लेन होता है। तो इसको प्रोड्यूस किया जाता है एक्सट्रूजन या रोलिंग प्रोसेस के द्वारा, ओके। अब अगर आप ये सीम या वेल्ड पाइप देखेंगे तो ये भी दो तरह के होते हैं, एक होता है SAW यानी कि समर्ज आर्क वेल्डिंग पाइप, और एक होता है ERW या EFW पाइप। SAW वाले पाइप में देखेंगे तो इसमें वेल्डिंग के लिए फिलर की जरूरत पड़ती है, और ERW में देखेंगे तो इसमें कोई फिलर की जरूरत नहीं पड़ती है, और EFW में देखेंगे तो इसमें कभी कभी फिलर की जरूरत पड़ती है। जो फिर अगर आप देखेंगे तो SAW वाला आपका दो तरह के पाइप होते हैं, एक होता है स्ट्रेट SAW और एक होता है हेलिकल या स्पाइरल SAW। स्ट्रेट यानी कि इसमें जो वेल्डिंग होगा वो स्ट्रेट होगा, एकदम सीधा होगा, और हेलिकल या स्पाइरल के मीन्स जो उसमें वेल्डिंग होगा वो हेलिकल या स्पाइरल होगा, ठीक है। और इसमें आपका स्ट्रेट वाला जो पाइप होता है ये भी दो तरह का होता है, एक होता है सिंगल और एक होता है डबल स्ट्रेट SAW, ओके। तो इतने तरह के आपके मैन्युफैक्चरिंग के अनुसार हो गए पाइप। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं डाया के अनुसार कितने तरह के पाइप होते हैं। तो मान लीजिए ये आपका ट्यूब है, तो इसका जो डाया होगा, ठीक है, तो डाया के अनुसार दो तरह के हो गए, एक होता है स्मॉल बोर उसको कहते हैं, और एक को कहते हैं बिग बोर। स्मॉल बोर किसको बोलेंगे, जिसका डाया लेस देन 2 इंच के होगा उसको हम लोग बोलेंगे स्मॉल बोर, और अगर जिसका जो डाया है अगर वो 2 इंच के ऊपर होगा तो उसको हम लोग बोलेंगे बिग बोर डाया, ओके। नेक्स्ट जो है कि अकॉर्डिंग टू शेड्यूल के अनुसार, ठीक है, एस
CH, इसको शॉर्ट में लिखा हूँ, इसका जो फुल फॉर्म है वो है शेड्यूल। तो शेड्यूल के अनुसार भी आपका जो है कई तरह के पाइप्स होते हैं। शेड्यूल्ड यानी कि आपका जो पाइप का थिकनेस होता है, ठीक है, ये होलो शेप है तो इसके जो ये आपका जो सीट होगा वो आपका कुछ ना कुछ उसका थिकनेस होगा, तो थिकनेस के अनुसार भी कई तरह के होते हैं। और इसको रिप्रेजेंट किया जाता है SCH5 के द्वारा, उसी तरह SCH20 हो, चाहे 40 हो, चाहे 60 हो, 80 हो, तो अलग अलग जगह रिक्वायरमेंट के अनुसार, साइज के अनुसार इसका यूज किया जाता है। अब मेन आता है आपका जो ट्यूब का मटेरियल होता है, यानी कि किस मटेरियल का वो बना हुआ है, किस पदार्थ का बना हुआ है, उसके अकॉर्डिंग ये कितने टाइप्स के होते हैं। मटेरियल आपके होते ही है दो टाइप्स का, तो इसलिए यहाँ पर आपका दो टाइप्स हो गया, एक होता है मेटल और एक होता है नॉन मेटल। तो मेटल में भी आप देखेंगे तो ये दो टाइप्स के हो जाएंगे, एक होता है फेरस और एक होता है नॉन फेरस। फेरस हम लोग किसको बोलेंगे, जहाँ पर आयरन प्रजेंट होता है जिसमें, और आपका नॉन फेरस उसमें जो उसमें कि आयरन प्रजेंट नहीं होता है, मेनली यही डिफरेंस होता है दोनों में। ओके, तो आपका जो फेरस में आप देखेंगे तो कई तरह के होते हैं। देखिए यहाँ पर हम एक एक नाम बोलते जाएंगे और उसका जो बेसिक डिटेल है और उसका जो यूज है वो आपके स्क्रीन के ऊपर आएगा, तो वीडियो को पॉज कीजिएगा और आप पढ़ते जाइएगा, क्योंकि अगर पूरा डिटेल में अगर सबको अगर देखने जाएंगे तो वीडियो काफी ज्यादा लंबा और लेंथी हो जाएगा, आप भी बोर हो जाओगे, ठीक है। तो यहां पर देखिए पहला जो है वो है CI पाइप, यानी कि कास्ट आयरन पाइप। उसी तरह नेक्स्ट जो हो गया वो हो गया कार्बन स्टील पाइप, फिर नेक्स्ट है एलॉय स्टील पाइप, फिर नेक्स्ट जो है आपका स्टेनलेस स्टील पाइप, फिर हो गया GI पाइप यानी कि गल्वनाइज्ड आयरन पाइप, और फिर आपका हो गया MS पाइप यानी कि माइल्ड स्टील पाइप, और फिर जो नेक्स्ट हो गया वो हो गया IBR पाइप यानी कि इंडियन बॉयलर रेगुलेशन पाइप। इसके बारे में आपने जरूर सुना होगा अगर आप पावर प्लांट में वर्क करते हैं, बॉयलर में काम करते हैं, क्योंकि बॉयलर के जो पाइप्स होते हैं, जो ट्यूब्स होते हैं, वो इसी IBR पाइप के ही होते हैं। ये IBR सर्टिफाइड होता है जिसमें आपका वाटर और स्टीम को हाई प्रेशर और टेम्परेचर में कन्वे किया जाता है। ओके, तो वहां पर इसका यूज किया जाता है। अब नेक्स्ट जो होता है कि नॉन फेरस में कौन कौन से पाइप है, जैसे इसमें पहला जो है वो है कॉपर पाइप, तो ये कॉपर एलॉय के बने होते हैं, तो इसमें आपका कॉपर पाइप हो गया, फिर उसी तरह निकेल एलॉय पाइप हो गया, फिर उसी तरह आपका एल्युमिनियम एलॉय पाइप हो गया। तो नॉन फेरस में आपके इस टाइप के पाइप होते हैं। अब हम लोग देखते हैं नॉन मेटालिक पाइप, यानी कि ये मेटल के नहीं बनेंगे, कोई अदर मटेरियल का होगा, चाहे वो PVC हो, रबर का हो, चाहे आपका प्लास्टिक का हो, चाहे आपका RCC का हो या सीमेंट का हो, यानी इसमें मेटल नहीं होंगे, कुछ अदर ही मटेरियल होगा, तो उसको नॉन मेटालिक कैटेगरी में डाला गया। जैसे इसमें पहला जो है वो है PVC या CPVC पाइप, तो इस पाइप का यूज भी काफ़ी जगह किया जाता है। नेक्स्ट जो है वो है RCC पाइप, फिर थर्ड जो है वो है सीमेंट पाइप, चौथा जो है वो है ABS पाइप, पाँचवा जो है वो है लीड पाइप, और सिक्स जो है वो है कैनवस पाइप। इस कैनवस पाइप को आपने पाइप में जरूर देखा होगा, जैसे आपका कहीं पे फायर लगा हुआ है तो फायर एक्सटिंग्विशर वाले जो होते हैं इस पाइप का यूज किया जाता है, तो आग को बुझाने के लिए वहां पर जो पानी का छिड़काव किया जाता है वहां पर कैनवस पाइप का यूज किया जाता है। और नेक्स्ट जो है वो है रबर और नाइलॉन पाइप, तो इसको तो आपने अपने घरों में भी जरूर यूज किया होगा, चाहे वो वाटर को कन्वे करने के लिए या गार्डन में पानी का छिड़काव करने के लिए। तो ये हो गए कुछ इंपॉर्टेंट पाइप जिसका यूज मैक्सिमम जगह किया जाता है। तो आई होप कि आज का जो वीडियो है वो आपके लिए काफी इंफॉर्मेटिव रहा होगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताओ, वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करें, आपका एक लाइक हमें ऐसे ही और कई सारे इंफॉर्मेटिव वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट करता है। आई होप कि आप इसे समझेंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।